इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप गूगल मैप्स में किसी भी एड्रेस को अपना इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हैं, अपने आसपास के लोकेलिटी में कोई भी लैंडमार्क जैसे कि मंदिर, एटीएम, पेट्रोल पंप या आपके कोई दुकान हो, इन सब चीज़ों की एड्रेस को कैसे ऐड कर सकते हैं गूगल मैप में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माई वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी आसान काम है इसको ऐड करना, बस आपको मैप में पहचानने आना चाहिए कि वो जगह है कहाँ पे, उसके बाद आप आसानी से उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल मैप को ओपन कर ले, और गूगल मैप आपने अगर अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाके सबसे पहले आप इसे अपडेट कर लें, और उसके बाद अपने जीमेल आईडी से इसमें साइन इन कर लें। साइन इन कर लेने के बाद आपको जिस भी जगह का एड्रेस को ऐड करना है उस जगह पर आप पहले पहुँच जाए, वो चीज़ आपको मैप में ढूंढनी आनी चाहिए। वो अगर आपको आती है ढूंढनी तो आप उसको आराम से ऐड कर सकते हैं। तो सब साइन इन कर देने के बाद गूगल मैप ओपन करिए, और अगर आपके लोकेशन में है वो तो आप अपना लोकेशन ऑन कर सकते हैं इस जगह पे क्लिक करके। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना लोकेशन ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो जगह कहाँ है, ढूंढने में आसानी होगी। तो अपने जीमेल आईडी से साइन इन कर लेने के बाद और लोकेशन ऑन कर देने के बाद आपको जो तीन लाइन साइड में दिख रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, और नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड ए मिसिंग प्लेस का, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ऐड ए मिसिंग प्लेस में क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, बिजनेस और लैंडमार्क, हाउस और अपार्टमेंट। तो अगर आपको अपने घर का एड्रेस देना है यानी अपने घर को ऐड करना है गूगल मैप में, तो हाउस और अपार्टमेंट सेलेक्ट करिए। और अगर आपको किसी बिजनेस, कोई दुकान या फिर कोई स्कूल, मंदिर या एटीएम, ये सब सारी चीज़ें ऐड करनी हो तो बिजनेस और लैंडमार्क सेलेक्ट करिए। मुझे कुछ कुछ दुकान का ऐड करना है तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट करूँगा बिजनेस और लैंडमार्क। अगर आपको अपने घर का ऐड करना है तो नीचे वाला सेलेक्ट करिए। उसके बाद सबसे पहले हमको ऑप्शन मिलता है नेम का, यानी कि जिस भी जगह को आप ऐड करना चाह रहे हैं उसका नेम क्या है। अगर आपने अपने घर का नेम ऐड करना चाहते तो वो रखिए, अगर आप दुकान का नेम ऐड करना चाहते हैं तो वो रखिए। सबसे पहले नेम इंटर करने के बाद दूसरा ऑप्शन आता है हमको एड्रेस लिखने का, कि उस गली का या उस जगह का नाम क्या है। तो आप दो तरीके से वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या तो आप उसमें लिख सकते हैं या फिर इस आइकन में क्लिक कर देंगे तो आपको गूगल मैप में वो अपने आप ले लेगा। तो मैं गूगल मैप के ज़रिए ही अपने आप लेने चाहता हूँ, तो मैं इस आइकन में क्लिक करूँगा तो ये अपने आप यहाँ पर लेगा। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, अपने आप ले चुका है इस जगह का एड्रेस जो गूगल के हिसाब से है। उसके बाद नीचे में आपको क्या करना है कि इसमें क्लिक करना है, ये जो मैप आपको दिख रहा है तो मैप में क्लिक करिए, और मैप में जाके आपको वो जगह सेलेक्ट करनी है जिस जगह को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अच्छे से सेलेक्ट कर लेने, देख लेने कि वो जगह है कहाँ है एग्जैक्टली। वो जगह आप पे पहुँच जाने के बाद आपको वहाँ पे क्लिक करना है, और वहाँ पे जब आपका जो पॉइंटर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड कलर का है वो एग्जैक्ट उस जगह में जब हो जाए, सेट हो जाए, तो फिर ऊपर में आपको क्लिक करना है ओके में। तो यहाँ से हमारा जो जगह है पॉइंट आउट हो जाता है। नेक्स्ट में हमको जगह ऑप्शन आता है कैटेगरी सिलेक्ट करने का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैटेगरी, चूज कैटेगरी, यानी कि आप जो भी जगह दे रहे हैं वो किस कैटेगरी का है, कौन, अगर दुकान है तो किस कैटेगरी का, किस चीज़ का दुकान है या कैसा कैटेगरी है उसकी। तो यहाँ पर आप इसमें क्लिक करिएगा तो आपको खुद ब खुद बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि होम, रेस्टोरेंट, स्कूल, कैफे, शॉपिंग सेंटर। तो आपको जैसा भी आपका हो उस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ से मैं अपना कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, आप भी अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। तो नेम, एड्रेस और मैप में जो आपका लोकेशन है वो, उसके बाद रेस्टोरेंट, ये सब सारी चीज़ें जब आपकी हो जाएगी तो फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फ़ोन नंबर्स ऐड करने का, और वेबसाइट अगर है तो वो ऐड करने का, फ़ोटोज़ वोटोज़ ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐड करना है और भी डिटेल्स ऐड करनी है तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्लिक करिए, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं, और अगर आपकी वेबसाइट है तो उसका दे सकते हैं, इसकी ओपनिंग डेट दे सकते हैं, यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है तो उसकी दे सकते हैं कि वो कितने से कितने बजे तक खुली रहती है, कौन से दिन खुली रहती है। और अगर आपके पास कोई फ़ोटो है उस जगह की तो आप इस आइकन में क्लिक करिएगा, फ़ोटो वाले आइकन में। तो फोटो आइकन में क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास फ़ोटो अवेलेबल होगी तो। और उसके बाद इस ब्लू आइकन में क्लिक करके आप उसे अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास फ़ोटो नहीं है तो मैं अभी छोड़ देता हूं, अगर आपके पास होगी तो आप अपलोड कर दीजिएगा ताकि इससे लोगों को पहचानने में और भी आसानी होती है। तो हम पीछे आते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जब ऐड कर लेंगे आप तो
एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट में आपको ऊपर में देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है, ये आइकन सेंड का आइकन, तो इसमें क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको हो सकता है कि गूगल सजेस्ट करे कि वो जो जगह आपने सजेस्ट की है वो सेम है इस जगह से, तो अगर आपने कोई अलग जगह सजेस्ट की है तो आप सबमिट एनीवे में क्लिक करें, और अगर आप यहाँ में से आपको वो ऑप्शन मिल जाता है जो जगह आपने ऐड की है तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सबमिट एनीवे में क्लिक कर सकते हैं, तो सबमिट एनीवे में क्लिक करके आगे बढ़ें। तो अभी ये जो हमने जगह सबमिट किया है वो गूगल के पास चल गया है रिव्यू में इसके, तो आपने जो यह सबमिट किया है इसके लिए आपको एक ईमेल आया होगा आपके जीमेल अकाउंट में जिससे आपने साइन इन किया था, तो आप अपने जीमेल में जाके चेक करिएगा तो आपको एक ईमेल आया होगा। यहाँ से अब क्या होगा कि गूगल इस जगह को रिव्यू करेगा, और जब कंफर्म हो जाएगा कि आपने सही जगह डाला है तो वो आपको फिर अप्रूव कर देगा, और इसके लिए आपको ईमेल भी पहुँच जाएगा कि आपने जो इंटर किया था वो अप्रूव हो चुका है। और जब आप नेक्स्ट टाइम गूगल मैप को ओपन करिएगा तो वो जगह अपने आप दिखेगी, वो फिर सबको दिखने लग जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप गूगल मैप में किसी भी एड्रेस को, अपने घर के एड्रेस को या अपने दुकान के एड्रेस को आराम से ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम की होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इसे काम की है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐसे ही इजी टेक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन को भी दबाइएगा क्योंकि नई वीडियो मिलाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।